नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में कल प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगी बसपा चीफ मायावती। बता दें बसपा कार्यालय में कल विचार संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और ऐसे में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान सुरक्षा को लेकर विचार संगोष्ठी जो है वो की जाएगी और सुबह 11 बजे बीएसपी कार्यालय पर ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। तो ऐसे में ये बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है लखनऊ से, जहाँ पर कल प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को बसपा चीफ मायावती संबोधित करेंगी और ऐसे में बसपा कार्यालय में कल विचार संगोष्ठी का यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान सुरक्षा को लेकर विचार संगोष्ठी होगी और ऐसे में सुबह 11 बजे बीएसपी कार्यालय पर यह पूरा कार्यक्रम होगा। तो बता दें जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां जो हैं पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं, पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और इसी को लेकर पिछले काफी समय से यूपी के हर जिले में अलग अलग जिले में जो है ये बसपा की तरफ से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऐसे में अब कल लखनऊ में मायावती खुद इस सम्मेलन की कमान संभालने वाली हैं और संबोधित वो करेंगी इस पूरे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को। बता दें कल सुबह 11 बजे जो है ये कार्यक्रम होगा और ऐसे में लखनऊ में कल प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को मायावती संबोधित करती नजर आएंगी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? पारुल, कल लखनऊ में काफी बड़ा सम्मेलन है, बीएसपी मायावती खुद इस सम्मेलन में भाग ले रही है और पहले से भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहा था इसी बात को लेकर की 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे लखनऊ में पार्टी कार्यालय में और सुबह के करीब तकरीबन 11 बजे के करीब में यहाँ पर लोगों का जो कार्यकर्ताओं का या प्रवक्ता और उसके प्रदेश अध्यक्ष जितने भी सारे लोग हैं समर्थक हैं वो सारे लोग कल यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि कुछ लोग आज रात से ही आना शुरू कर दिए हैं, बाहर से जितने भी लोग हैं और इस पार्टी कार्यालय पे तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। तो काफी बड़ा सम्मेलन है क्योंकि काफी टाइम के बाद मायावती बड़ा सम्मेलन में खुद भाग लेगी और इस सम्मेलन के माध्यम से वो एक बार फिर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद करेंगी। बिल्कुल रूबी, यानी कि इस सम्मेलन जो कल होने वाला है इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मायावती अब पूरी तरह से खुद कमान अपने हाथों में लेने वाली हैं। पारो, शुरू से ही मायावती ने अपने हाथ में ही कमान ले रखा था और अब फिलहाल चुनाव नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में वो मौका नहीं छोड़ना चाहती। लगातार विपक्ष को भी वो कई बातें सुनाते हुए चले आ रही है और अब उनकी बारी है। यानी कि अभी हाल ही में बीजेपी ने भी जब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया तो उसमें भी कटाक्ष किया था मायावती ने और अब खुद वो अपना यहाँ पे काफी बड़ा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेंगे जिसमें सारे तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे और ऐसे में ये बिल्कुल देखा जाएगा कि सारी ताकत झोंकती हुई नजर आएंगी मायावती। और बिल्कुल ये एक तस्वीर है, ये भी सामने निकल के आएगी कि जब मायावती विपक्ष पे हमला बोलती है तो शब्दों के जो बाढ़ होते हैं वो चुभने वाले होते हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा मायावती कल अपने संबोधन में क्या बोलती है और जो तैयारियां हैं वो फुल तरीके से अभी से होने शुरू हो चुकी है। लोगों के जो पहुंचने की खबर है वो मिलना शुरू हो चुकी है। चारबाग स्टेशन हो या बस अड्डा हो, जो बीएसपी के जितने भी पास के जिले थे उन लोगों वहां से आना का शुरू हो चुका है और इसके साथ ही साथ तकरीबन कल 11 बजे मायावती प्रोग्राम को पूरे ऑर्गेनाइज करवाएंगे। बिल्कुल रूबी, यानी कि कल जिस तरह से मायावती सम्मेलन को संबोधित करेंगी उससे साफ तौर पर ये कहना सही होगा कि वो कहीं ना कहीं ये संदेश देती हुई नजर आएंगी कि बसपा भी कहीं पीछे नहीं हटने वाली है, पूरी तरह से एक्टिव है और एक नए रूप के साथ जो है वो सामने आएगी। बिल्कुल पाटूर, कल कलेवर देखने वाले होंगे और क्योंकि पहले भी मायावती ने कई छोटे मोटे पीसियां जरूर करती थी लेकिन बड़ा सम्मेलन नहीं किया। अभी काशीराम जयंती का भी आयोजन हुआ तो उसमें भी उन्होंने काफी बड़ा आयोजन नहीं किया लेकिन अब जो कल का आयोजन है काफी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि इस सम्मेलन में सभी वर्ग के लोग होंगे, SC ST हो या फिर ये कह सकते हैं प्रबुद्ध वर्ग हो, तो रिझाने की जो कवायद होगी वो देखने लायक होगी। और ऐसे में लखनऊ में कल
पूरे तरीके से वो अपनी ताकत दिखाएंगी, क्योंकि बीएसपी की आला कमान है मायावती, और दिखाना यही चाहेंगी कि जो भी बीएसपी पार्टी अभी तक कहती आई है वो करती आई है, और अब जो चुनाव जब करीब आ चुके हैं तो ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती है। मायावती पहले भी कई विवादित बयान ऐसे दिए थे जिसके वजह से विपक्ष ने उन पर हमला बोला था। इन दिनों देखा यही जा रहा था कि मायावती काफी टाइम से शांत थी, लेकिन अब मौका है, दस्तूर है, तो ये कह सकते हैं कि कल के दिन काफी देखने लायक होगा कि कल मायावती आखिरकार अपने इसमें प्रबुद्ध वर्ग बिल्कुल रूबी। और देखिए बसपा कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधती हुई भी आई है और ऐसे में अब कोशिश भी कर रही है, तो क्या कल इस सम्मेलन में इस पर भी कोई रणनीति बनाई जाएगी? निश्चित तौर पे पारुल, ऐसे जो सम्मेलन होते हैं रणनीति के ही अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि मौका होना चाहिए अपनी पार्टी को मजबूत करने का, और ऐसे में सम्मेलन जरूर होगा लेकिन उससे पहले एक बैठक होगी। उस बैठक में इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं और इनके जितने भी पार्टी के अध्यक्ष होंगे वो सारे लोग इकट्ठा होंगे। लखनऊ इस टाइम कह सकते हैं जो झंडियों से और बैनरों से पटना शुरू हो चुका है, लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के पास ठीक वहां पे झंडे और बैनर जो है वो लगना शुरू हो चुके हैं, यानी कि जो ताकत है मायावती की विचार संगोष्ठी की अब वो कल दिखाएंगी, और कल एक बैठक के बाद वो काफी बड़ा सम्मेलन है यहाँ पे लखनऊ में, उसको वो शुरुआत करेंगी, यहीं से इनका बिगुल बजेगा विधानसभा चुनाव को लेकर। जी चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ में कल प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को खुद बसपा चीफ मायावती संबोधित करने वाली हैं, और ऐसे में बसपा कार्यालय में कल विचार संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, और साथ ही प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान सुरक्षा को लेकर ये विचार संगोष्ठी की जा रही है। बता दें सुबह 11 बजे बीएसपी कार्यालय पर यह पूरा कार्यक्रम होगा, जहां पर बसपा चीफ मायावती संबोधित करते हुए नजर आएंगी। तो बता दें जैसे जैसे चुनाव विधानसभा चुनाव अब आने वाले हैं यूपी में, ऐसे ऐसे तमाम पार्टियां जो हैं पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं, और लगातार पिछले काफ़ी दिनों से पूरे यूपी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बसपा की तरफ से किया जा रहा था, अब लखनऊ में खुद मायावती इसको संबोधित करेंगी। डेंगू बुखार से बेहाल यूपी, जी हां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस रहस्य में बुखार का कहर जारी है, और ऐसे में फिरोजाबाद में हालात सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं। यहां अब तक सरकारी आंकड़ों में 52 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हैं कि 540 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कई बच्चों को बेड नहीं मिल पा रहा, और मिन्नतें करने के साथ पैर पकड़ने के बाद बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिशन मिल पा रहा है। ऐसे में फिरोजाबाद के साथ साथ मथुरा में भी 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, वहीं लखनऊ कानपुर में भी इसके मरीज तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि कैसे डेंगू बुखार होता है। डेंगू मलेरिया की तरह मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू का वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ऐसे में डेंगू का बुखार ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक रहता है, और इस रोग का पनपना जून के महीने से शुरू हो जाता है और मानसून के महीने में अपना चरम प्रकोप दिखाना शुरू करता है। ऐसे में डेंगू बुखार के लक्षण जो हैं वो भी आपको बता देते हैं क्या होते हैं। अचानक से तेज बुखार आ जाता है, और फिर सर में आगे की ओर तेज से दर्द होता है, साथ ही आंखों के पीछे दर्द और आंखों के हिलने से दर्द में और तेजी आ जाती है, वहीं मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द महसूस किया जाता है। स्वाद का पता न चलना और भूख ना लगना भी इसके लक्षण हैं। वहीं छाती और ऊपरी अंगों पर खसरे जैसे दाने हो जाते हैं, चक्कर आ जाता है, जी घबराना, उल्टी आना, ये तमाम लक्षण जो हैं वो इस बुखार में जो है देखे जाते हैं। तो ऐसे में यूपी के तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर इस डेंगू और वायरल बुखार का कहर जो है वो देखा जा रहा है। फिरोजाबाद की बात कर ली जाए तो फिरोजाबाद में हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। वहां पर मरीज इतनी ज्यादा संख्या में है, ना तो अस्पतालों में जगह मिल रही है, ना ही मरीजों और बच्चों को ढंग से इलाज मिल पा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, अभी कैसे हालात हैं? डेंगू वायरल बुखार की बात कर ली जाए तो कितने मरीज सामने आ रहे हैं, अस्पतालों की क्या हालत है? यह काफी खराब है, और जिस तरह से आज फिर एक व्यक्ति की डेंगू के कारण मौत हुई है,
जिस तरह से मथुरा के खो गांव में ये बीमारी फैली हुई है, जहां पर उसने पूरे आसपास के इलाके को भी अपनी ग्रस्त में ले लिया है। अभी तक कई दर्जन लोगों को डेंगू की जो है चपेट में है और उनको इलाज किया जा रहा है। हालांकि मथुरा ही नहीं, मथुरा के जो लोग हैं वो मथुरा के साथ साथ आगरा, भरतपुर और हाथरस, अलीगढ़ तक ये अपना इलाज करा रहे हैं। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग को खास ज्यादा बेहतर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के लोगों में आक्रोशित भी है और उनका साफ कहना है। लेकिन सुरेश, ये स्वास्थ्य विभाग का ये लापरवाही वाला रवैया क्यों नजर आ रहा है? देखिए, जनता तो परेशान है, लेकिन उसके सामने भी ये स्वास्थ्य विभाग का इस तरह का रवैया सामने आ रहा है। कई जगह से खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है, जो माँ बाप है बच्चों के वो डॉक्टरों के पैर पकड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो फिर क्यों ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है, जब इस कदर इस वायरल बुखार का कहर देखा जा रहा है? तो आप फसलों में भी देख सकते हैं कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का जो लचर रवैया है, जिस तरह से देखा जाए कि वहाँ भले ही डॉक्टर कैंप कर रहे हों, लेकिन कैंप करते हुए डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसा दिखाई नहीं दे, क्योंकि वहाँ के जो लोग उनके पास जाते हैं और उनको सिर्फ एक या दो दवाई टेबलेट पका देते हैं, उसके बाद कहते हैं आप जाइए सही हो जाएगी। तो आज का जब ये डेंगू का आप देख रहे हैं कि है चारों तरफ देखने को मिला, तो उस समय एक ही टेबलेट का क्या असर कर सकता है? और इसी बीमारी से अब तक लगभग मथुरा के कई गांव में 12-13 लोगों की मौत हो गई, उसके साथ साथ और कई गांवों में भी कई लोगों की मौत हुई है। इसी को लेकर के गांव वाले जो है वो आक्रोशित है और आप साफ देख रही होंगी कि एक वीडियो ऐसा भी वायरल हो रहा है जिसमें लाओ स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है उनको फिर पैरों के तक जो है गिर रहे हैं, किसी की तरह से हमारी बचाइए, हमारी जान बचाइए, हमारे बच्चों की जान बचाइए, आपके कैसे कभी बीमारी जो है कंट्रोल नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग जो है सिर्फ उसी अपने रवैये को अपनाए हुए और बहुत ज्यादा अच्छे कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सुरेश, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है और इसको लेकर लोगों में आक्रोश भी है। देखिए, एक तरफ तो मुख्यमंत्री खुद कई जिलों का, कई अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये चीजें शासन तक नहीं पहुंचाई जा रही, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाई जा रही, जिस तरह से लापरवाही हो रही है? भले सीएम योगी इस चीज को लेकर के काफी गंभीर है, वो कई जिलों में जाकर के लोगों से मिले हैं, मुलाकात की है और कई जिलों के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको भी बदला गया है, लेकिन जो बदले गए जो अधिकारी हैं उनका भी रवैया कुछ खास ज्यादा। लेकिन सुरेश, देखिए, स्वास्थ्य अधिकारी बदलने से हालात तो तब भी कंट्रोल में नजर नहीं आ रहे हैं, हालात तो और दिन पर दिन बिगड़ते हुए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हालात बिल्कुल जो है लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि हम कैंप कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो जाए जमीनी स्तर पे क्या उनका प्रभाव है वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। और उसी लिए मथुरा सहित कई जिले हैं जो डेंगू के कहर के ग्रस्त में है, जहाँ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कई जिले तो ऐसे भी हैं जहाँ पे कई कई दर्जन लोगों की मौत की सूचना मिल रही है, चाहे वो फिरोजाबाद हो या कोई और जिला हो, तो जहाँ पर लेकिन अभी तक जिस तरह से बच्चों की जो मौत का आंकड़ा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी चलिए सुरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में यूपी में इस वायरल बुखार का कहर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, तेजी के साथ मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो बता दें, डेंगू और वायरल बुखार का कहर जो है वो देखा जा रहा है, तेजी से बुखार जो है वो बच्चों में पाया जा रहा है और ऐसे में बच्चे इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं, कहीं पर अस्पताल पूरी तरह से भर चुके हैं, कहीं पर बेड नहीं है, कहीं पर माँ बाप को अपने बच्चों के इलाज के लिए डॉक्टरों के पैर तक पड़ने पड़ रहे हैं। हालात आप इसी से समझ सकते हैं कि कितने बेहद खराब हैं। देखिए, देश में लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है, लेकिन ऐसे में यूपी में इस वायरल बुखार का कहर जो है वो अभी से देखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही वाला रवैया सामने लगातार आ रहा है। अस्पतालों में सुविधाएं नहीं कराई जा रही, इलाज बच्चों को सही से नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से लगातार भारी संख्या में बच्चे दम तोड़ते जा रहे हैं। और अभी तक बता दें 100 से ज्यादा लोग इस वायरस बुखार के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं।
चलिए ज्यादा जानकारी के साथ फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता किशन चंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, जिस तरह से देखिए फिरोजाबाद में ये वायरल बुखार बेकाबू होता जा रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि हालात अब ये हो गए, अस्पतालों में जगह नहीं है, बच्चों के माँ बाप जो हैं वो इलाज के लिए डॉक्टरों के पैर पकड़ते नजर आ रहे हैं, आखिर ये लापरवाही हो किधर रही है? जो फिरोजाबाद जिला अस्पताल की जो सौकरिया अस्पताल की जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है और वहाँ पर अब तक जो है जिले भर में 53 लोगों की मौत हो चुकी है और जिसमें कि मैं इसमें देखा जा सकता है कि इसमें जो कि 14 साल के और छोटे बच्चे ज्यादा हैं इसमें। बाद बाकी मैं आपको बताऊं कि इसको लेकर यहाँ नोडल अधिकारी और जो है यहाँ पर जो कई अधिकारी यहाँ पड़े हुए हैं और हालांकि डीएम का भी बार बार दौरा हो रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति बताई जा रही है वो अभी गंभीर बनी हुई है। लेकिन देखिए किशन, बार बार आप जिस तरह से बता रहे हैं डीएम का भी दौरा हो रहा है बार बार और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी दौरा किया था, फिर हालात ऐसे ही क्यों बने हुए हैं, कोई सुधार क्यों नहीं देखने के लिए मिल रहा? जी मैं बताऊंगा, ये यहाँ पे एक प्रमुख सचिव हैं आलोक जी, वो उनका भी यहाँ पे 3 दिन से यहाँ पर फिरोजाबाद में वो रुके हुए हैं और इस पर वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। फिर भी मैं आपको बताऊं, उन्होंने बताया है कि इसको बुखार पर काबू पाने के लिए मछलियां मंगाई गई हैं, जहां जहां पानी भरा हुआ है वहां पर डेंगू वायरल को खत्म करने के लिए उसमें मछलियां डाली जाएंगी। और हालांकि इसको लेकर अब क्या इनकी तकनीकी है, लेकिन जो जो मछलियों का जो इन्होंने बताया कि डेंगू वायरल बुखार को रोकने के लिए मछलियों का प्रयोग किया जाएगा, ये अपने आप में एक अलग तरीका है, लेकिन जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं वो आज भी नाजुक है। जी पारो जी, चलिए किशन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में जो है इस वायरल बुखार का कहर देखने के लिए मिल रहा है और पूरा यूपी बेहाल है इस वायरल बुखार से, बच्चों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है और ऐसे में हालात दिन पर दिन और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी यहां पर साफ तौर पर देखी जा रही है, जिससे लोगों में भी आक्रोश है। जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर का संकेत मिल चुका है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सभी की चिंताएं बढ़ा दी गई है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में भी तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य महकमे में आला अधिकारी तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने में जुट गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि जिला अस्पताल में जहां एक ऑक्सीजन प्लांट थे, वहीं अब 3 ऑक्सीजन प्लांट का काम चल रहा है। दूसरी वेव में ऑक्सीजन प्लांट मात्र एक थी और ऐसे में जिला अस्पताल में जिसकी एलपीएम 350 थी, वहीं अब दूसरा जो प्लांट लग रहा है उसकी एलपीएम 1000 के करीब है और तीसरा जो प्लांट है उसकी एलपीएम 1500 है। तो ऐसे में देश में तीसरी लहर को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं उसको लेकर गोंडा में अब तैयारियां जो है वो पूरी तरह से की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। या निरीक्षण करने कैसे आए हैं, किस तरह का निरीक्षण? जैसा कि आपको संज्ञान में होगा कि कोविड की थर्ड वेव की संभावना जताई जा रही है कि कभी भी आ सकती है, तो उस संबंध में ऑक्सीजन प्लांट्स कई सारे यहां पर लगने थे, तो उसके निरीक्षण के लिए आए हुए थे कि काम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, और उसके बारे में बताना चाहूँगा कि काम ठीक चल रहा है। यहां पर हमारे यहां जिला अस्पताल गोंडा में 3 ऑक्सीजन प्लांट पर काम चल रहा है अभी, जिसमें से एक CSR के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है एक्सेंचर कंपनी से, SOCHM के माध्यम से 500 LPM का प्लांट, तो उसके इंजीनियर्स यहाँ पर आए हुए हैं और उसके प्लेसमेंट करा रहे हैं और मुझे लगता है कि 3 दिन में इसका पूरा काम 3 से 4 दिन में हो जाएगा। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे गोंडा जनपद में 500 LPM का एक प्लांट चलने लगेगा। फिरोजाबाद SSP ने रिश्वतखोरी के आरोप में सर्वेलांस टीम के में तैनात एक दरोगा और 2 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें से एक दरोगा और एक सिपाही को SSP ने जेल भेज दिया है जबकि एक सिपाही अभी फरार चल रहा है। इन लोगों ने अवैध शराब बेचने वाले 2 अभियुक्तों को छोड़ने के लिए शराब कारोबारी से 5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें से 1 लाख रुपए रिश्वत लेकर दोनों अभियुक्तों को छोड़ दिया था। बता दें मामला है कि फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र का
जहां सर्विलांस टीम को अवैध शराब बेचने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना के बाद एक दारोगा विक्रांत तोमर, दो सिपाहियों आशीष शुक्ला और लव कुमार के साथ मौके पर पहुंचे थे और दो अभियुक्तों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया था। देखिए, कल मुझे शाम को मालूम हुआ अवैध शराब और अप्रमिशित शराब दोनों शराब के लिए अभियान चल रहा है। हमारे आसपास के जिलों में आपने देखा है कितनी मौतें हुई हैं, उसमें हमारे अधिकारी बहुत सख्त हैं, अभियान चल रहा है। उसी क्रम में कोई सूचना मिलती है हमारे इसको सर्विलांस सेल को, विक्रांत तोमर उसके इंचार्ज ऐसाई हैं, सूचना मिलती है ये लोग पहुँच जाते हैं। जबकि ये काम इनका नहीं था, इन्हें थाने को बताना चाहिए था। चाहे ये पहुँच जाते हैं, इनके साथ दो सिपाही और होते हैं, लव कुमार और आशीष शुक्ला, अपनी गाड़ी को प्राइवेट है की इको स्पोर्ट ब्लैक उसे जाते हैं, गए पकड़े, शराब मिला इनसे 49 क्वार्टर्स मिले अपने से शराब की, उसको थाने दिया, कार्रवाई हुई। लेकिन इन्होंने गड़बड़ क्या किया, इन्होंने फिर उसके मालिक को बुलाया, उसका नाम देवेंद्र है, उसको मारा पीटा, उसे पैसे की मांग की है और पैसे लिए उससे। अब खबर फरुखाबाद से है जहां दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दबंग बीजेपी नेता व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष के मकान पर कब्जा करने के लिए पहुंचे और ऐसे में बीजेपी नेता सत्ता की हनक और दबंगई के बल पर मकान पर कब्जा करने पहुंचे थे। इस दौरान मकान में रह रहे लोगों के साथ उन्होंने विवाद भी किया, साथ ही विवाद के चलते बीजेपी नेता व्यापार मंडल अध्यक्ष ने अपने दबंग साथियों के साथ एक दूसरे पर ईंट पत्थर भी चलाया। ये पूरी घटना मेन चौक घंटा घर पर हुई और इस दौरान आम जनता के साथ साथ पुलिस मूक दर्शक बनी रही। थराली थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तेल के टैंकर की चेकिंग की तो तेल के टैंकर से पेट्रोल डीजल की बजाय बिरोजा फैक्ट्री में तैयार किया गया बिरोजा और तारपीन का तेल बरामद हुआ। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने वन विभाग की मदद से बरामद माल की पहचान कराई तो फैक्ट्री में तैयार किया गया बिरोजा रेजिन होने की पुष्टि हुई, जिस पर थराली पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे बिरोजा और तारपीन के तेल को कस्टडी में लेकर टैंकर को सीज कर दिया। बता दें कि टैंकर के 12,000 लीटर के चैंबरों से तीन चैंबरों में कुल 335 टन बिरोजा यानी कि कुल 6,030 किलो बिरोजा बरामद हुआ है। वहीं इसी टैंकर के एक चैंबर से लगभग 2500 लीटर तारपीन का तेल भी बरामद किया गया है और ऐसे में पुलिस ने वन अधिनियम में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है। पकड़ा गया है, इसमें करीब 2500 लीटर तारपीन का तेल बरामद हुआ है और करीब करीब इसमें 335 कनस्तर रेजिन, जिसको बिरोजा भी बोलते हैं, ये बरामद हुआ है। बरामदगी के बाद मौके पर वन विभाग को बुलाया गया था, इनके द्वारा पुष्टि की गई कि ये तारपीन का तेल है और ये संबंधित माल जो कनस्तर में खड़ा है ये बिरोजा पब्लिक रेजिन है। तो कितने लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए पूरे मामले में और कहाँ से? करीब जब हम चेकिंग कर रहे थे तो एक बागेश्वर की तरफ से एक ट्रक थराली की तरफ आया, जिसकी चेकिंग की गई तो उसमें दो व्यक्ति पकड़े गए, एक ड्राइवर है जिसका नाम बहादुर सिंह बोरा बताया जा रहा है और एक क्लीनर साथ में है जिसका नाम जगदीश चंद्र आर्य है। वह सूचना मिली थाना प्रभारी थराली से, तो ये ऑयल टैंकर है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था, 12,000 लीटर का टैंकर था, तो उसमें हमारे द्वारा जो शिनाख्त की गई उसमें बिरोजा चार पार्ट में से तीन पार्ट में बिरोजा मिला है और एक पार्ट में तारपीन का ऑयल मिला है और जो बिरोजा भरा हुआ है वो लगभग 300 कनस्तर में भरा हुआ है और एक पार्ट में लगभग 3,000 लीटर का तारपीन का ऑयल बिरोजा और इनका जो एक 120 रुपये किलो के आसपास मिलता है और तारपीन ऑयल आपका 100 और 120 के आसपास पर लीटर मिलता है। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 13 में 1 करोड़ रुपए जीतने वाली पहली कंटेस्टेंट हिमानी बुंदेला को उनकी सूझबूझ की वजह से आज खूब लोकप्रियता हासिल हो चुकी है। दृष्टिहीन हिमानी सभी सवालों के सटीक जवाब देकर आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश आगरा की रहने वाली हिमानी ने शो के दौरान बताया था कि वो सिंगर जुबिन नौटियाल की बहुत बड़ी फैन है, ऐसे में जुबिन नौटियाल उनके घर पर मिलने उनसे खुद पहुंच गए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जुबिन नौटियाल उनके घर पर उनसे मिलने पहुंचे हैं।
बद्रीनाथ धाम में यात्रा को सुचारू करने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने एक बार फिर से जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम मंदिर में दर्शनों के लिए जा रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया। बैरिगेट को तोड़कर लोगों ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने स्थानीय लोगों को रोक दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और स्थानीय लोगों ने जमकर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।